डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट चैप्टर की 1.2 एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। और ये बताएं, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? पढ़ाई अच्छे से चल रही है? ठीक है। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, यदि ए जो है वो दिया है 1, 2, 3, 4 ए की वैल्यू है, और बी की वैल्यू है 3, 5, 7, 9 ये, और एफ जो है वो ए से भी परिभाषित है, और जी बी से सी परिभाषित है, और एफ एक्स आपको दिया है 2x+1, और जी एक्स दिया है x²-2 ये दिया है। तो देखिए इसमें क्या निकालना है, गॉफ इनवर्स निकालना है। गॉफ इनवर्स से एक्स तो साइलेंट रहता है, ये हमें पता करना है। किसी का भी इनवर्स तो तब निकालेंगे, पहले गॉफ निकालना पड़ेगा। तो क्या किया हमने, हल गॉफ एक्स, तो गॉफ एक्स क्या हुआ, जी ऑफ एफ एक्स। तो जी एफ एक्स के लिए क्या है, 2x+1, और जी एक्स ये तो क्या जाएगा, 2x+1 का होल स्क्वायर माइनस 2, तो कितना आ गया ये 4x² + 1 + 4x - 2, यानी 4x² + 4x - 1 ये गॉफ एक्स आया। ठीक है, लेकिन यदि हम इसे मैपिंग से देख रहे हैं तो ज्यादा बेटर है। ये मान लिया x है, इसका हमने f लिया, f कहां से कहां पर परिभाषित है, a से भी। तो ये मान लिया a है, ये है b, तो ये क्या होगा, एफ एक्स होगा ये। अब ए में क्या क्या अवयव दिए हुए हैं, 1, 2, 3, 4 ठीक है, बी में दिए हैं 3, 5, 7, 9। अब फलन के हिसाब से देखें तो इसमें एक्स की जगह यदि 1 रखोगे तो 3 आएगा, 2 रखोगे तो 5 आएगा, 3 रखोगे तो 7 आएगा, और 4 रखोगे तो 9 आएगा। ये एफ है। अब बी से सी, ये सी है और ये बी से सी क्या है, जी है। तो जब एफ एक्स का जी लेंगे तो ये हो जाएगा जी ऑफ एफ एक्स। तो अब देखेंगे ना, ये 3 है, अब जी में रखो, जी में रखें तो क्या आएगा, 3 रखेंगे तो 9 - 7 आ गए, 5 रखो तो 25 - 2 23 आ गया, 7 रखें तो 49 - 2 47 आया, और 9 रखें तो 79 है। तो ये आपका गॉफ एक्स हुआ। तो गॉफ एक्स में डायरेक्ट यहां से यहां देखते हैं आप, तो गॉफ एक्स को क्या लिखेंगे हम, कर्ली ब्रैकेट में बंद 1, 7, 2, 23, 3, 47,
और फोर सॉरी 479। तो ये गोफ है और हमें चाहिए गोफ इनवर्स। हमने बताया था कि कोई फंक्शन यदि ए से बी डिफाइन है तो इसका इनवर्स बी से ए डिफाइन होगा। इट मीन्स क्या हो जाएगा, ये 7 1 23 2 47 3 और 79 4। और ये भी पता होना चाहिए कि गो ऑफ इनवर्स, इनवर्स का जो नियम होता है उसमें ये बाद वाले पे पहले जाता है, एफ इनवर्स फिर ओ जी इनवर्स। ऑफ का करें, फोक का करेंगे तो क्या आएगा, जी इनवर्स ओ एफ इनवर्स, ये आ गया आपका। तो ये दोनों सेम होते हैं, यही बात पूछ रहा है, दोनों बातें पूछ रहा है, मतलब ये दोनों सेम होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि जो फंक्शन है वो R टू R डिफाइन है और एफ एक्स दिया है एक्स प्लस बी और ए जीरो नहीं है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि एक एक ही अच्छा लगे और एफ इनवर्स भी निकालना है। सिद्ध क्या करना है, एक एक ही अच्छा था पहले पार्ट में, तो सेकंड में क्या करना है, हमें एफ इनवर्स भी ज्ञात करना है। इसके हल की बात करें एफ दिया है आपका आर टू आर और एफ एक्स है ए एक्स प्लस बी, ठीक है। तो एक एक ही चेक करने के लिए एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू रखें, रखेंगे तो क्या आएगा, ए एक्स वन प्लस बी इक्वल टू ए एक्स टू प्लस बी, बी से भी कट जाएगा, एक्स वन बराबर एक्स टू आ जाएगा, अतः एक एक ही 1 1 है। अब यदि इस साइड को देखें तो ये क्या है, सहप्रांत, क्वेश्चन का सहप्रांत आर है। और हमने बताया था कि यदि कोई इधर एक्स की उच्चतम घात यदि विषम है तो उसका परिसर भी आर होगा। कारण चूंकि एक्स की उच्चतम घात विषम है अतः आच्छादक है। आच्छादक कब होता है, जब सहप्रांत और परिसर समान हो। सहप्रांत और परिसर समान है तो एक एक ही अच्छा तक दोनों हो गए, अतः फलन एक एक ही अच्छा तक है। अब एक एक ही अच्छा तक होने के बाद फिर उसका इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप प्रतिलोम ज्ञात करना,
चलो कैसे याद करते हैं, पहला स्टेप एफ एक्स की जगह वाई रखें, वाई रखते ही एक्स की वैल्यू भी निकाल लें, एफ एक्स की वाई रखो तो वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो दूसरे में बताया एक्स के लिए सॉल्व करें तो एक्स आएगा वाई माइनस बी अपॉन ए, तीसरा बताया हमने कि एक्स की जो वैल्यू वहाँ रखी है उसको रख दें यहाँ पर, एफ इनवर्स वाई इक्वल टू वाई माइनस बी अपॉन ए, और एफ इनवर्स एक्स हो जाएगा एक्स माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पहले बताया है कि ए जीरो नहीं, यही इसका इनवर्स है, तो एफ इनवर्स एक्स कहिए या एफ इनवर्स कहिए, ये होगा x माइनस बी अपॉन ए, ए नॉट इक्वल टू जीरो। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, क्वेश्चन 6 में फंक्शन आर टू आर डिफाइन है और एफ एक्स दिया है कोस एक्स प्लस टू, तो पूछ रहा है क्या एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या विद्यमान होगा, ये पूछ रहा है। इसके हल की यदि हम बात करें तो पहले एक एक की जांच करें, एक एक की जांच में हम क्या करते हैं, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू रखते हैं, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, तो क्या आएगा कॉस एक्स प्लस टू, एक्स वन प्लस टू इक्वल टू कॉस एक्स टू प्लस टू, इसको सॉल्व करें तो एक्स वन प्लस टू इक्वल टू 2n pi प्लस माइनस x2 प्लस 2, इससे x1 इक्वल टू x2 नहीं है, और यहाँ n बिलोंग्स टू इंटीजर है, अतः फलन वह एक एक ही है। f इनवर्स के लिए एक एक ही भी चाहिए और अच्छा तक भी चाहिए। अच्छा, अब अच्छा तक की भी जांच कर लेते हैं, अच्छा तक होगा या अंतर छिपी होगा, ये तो है इसका सह प्रांत है, और इधर वाला सह प्रांत होता है, ये प्रांत होता है, परिसर क्या होगा साइन हो या कॉस हो, ये माइनस वन से वन ही दे सकते हैं, इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं देंगे, तो चूंकि सह प्रांत बराबर नहीं है परिसर के, अतः अंतर छेदी फलन है। तो क्या हुआ, ये एफ इनवर्स विद्यमान होने के लिए एक एक ही अच्छा तक होना जरूरी है, तो ना तो एक एक ही है ना अच्छा तक है, अतः एफ इनवर्स विद्यमान नहीं होगा। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट देखें,
ये बोल रहा है एफ इनवर्स विद्यमान होगा या नहीं होगा। पहला फलन है एफ एक्स इक्वल टू थ्री एक्स और ए दिया हुआ है आपको जीरो माइनस वन माइनस थ्री टू और बी दिया है माइनस नाइन माइनस थ्री जीरो और सिक्स और फलन परिभाषित है ए से बी। पहले पार्ट के लिए हम बात करें तो प्रतिचित्रण बना लें इसमें। ये ए है ये बी है यहाँ लिखा आपने जीरो माइनस वन माइनस थ्री और टू। अब ये एफ की वैल्यू यदि हम देखें एफ कहाँ से कहाँ परिभाषित है एफ परिभाषित है ए से भी तो ये वैल्यू पुट करोगे आएगी तो जीरो वैल्यू रखोगे तो जीरो आएगा तो जीरो है उस साइड ये सेट अटैच हो गया। अच्छा माइनस वन रखें इसमें तो माइनस थ्री आएगा जो कि दूसरे नंबर पे है इससे भी अटैच हो गया सॉरी। माइनस वन वैल्यू रखने से आया माइनस थ्री और माइनस थ्री रखने से आया माइनस नाइन और टू रखने से आ गया सिक्स। तो यहां पे यदि हम देखें तो फलन कैसा है एक एक ही है। एक एक ही कब होता है जब ए का प्रत्येक फलन बी के हर एक अलग अलग अवयव से जुड़ा हो। अलग अलग से जुड़ा है तो एक एक ही है। और अच्छा तक के लिए क्या होता है बी के हर अवयव का पूर्व प्रतिबंध तो यहाँ कोई खाली नहीं है तो एक एक ही अच्छा तक है। एफ इनवर्स विद्यमान होगा। फर्स्ट पार्ट में एफ इनवर्स विद्यमान होगा। अब इसका सेकंड पार्ट देखें सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट में जो है एफ एक्स दिया है आपका एक्स स्क्वायर और वही एफ ए से भी परिभाषित है और ए दिया है आपको वन थ्री फाइव सेवन नाइन और बी दिया है जीरो वन नाइन ट्वेंटी फाइव फोर्टी नाइन एट्टी वन। यहाँ पर यदि हम हल की बात करें तो फिर चित्रण बनाए ये ए है ये बी है ए से भी फलन जा रहा है एफ यहाँ पे लिख लीजिए वन थ्री फाइव सेवन नाइन और इधर है जीरो वन नाइन ट्वेंटी फाइव फोर्टी नाइन एट्टी वन। तो ये इसका स्क्वायर आ रहा है तो वन का स्क्वायर वन आएगा थ्री का स्क्वायर नाइन आएगा फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव आएगा सेवन का स्क्वायर फोर्टी नाइन आएगा नाइन का स्क्वायर एट्टी वन आएगा। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो ये फलन एक एक ही है क्यों एक एक ही है ए के हरेक अवयव का बी में अलग अलग प्रतिबिंब है। अब जरा ये देखें ये अच्छा तक है कि नहीं क्योंकि एक एक अच्छा तक होगा तभी उसका इन्वर्स निकलेगा। तो अच्छा तक के लिए हम क्या कहते हैं बी के सारे अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब में उपलब्ध होना चाहिए। तो इनका नीचे वालों का तो पूर्व प्रतिबिंब है ए में लेकिन जीरो का तो नहीं है तो ये अच्छा तक नहीं है। अच्छा तक नहीं है मतलब कैसा है अंतर छेपी है
है, क्योंकि जीरो का पूर्व प्रतिबिंब ए में नहीं है। जीरो का पूर्व प्रतिबिंब ए में नहीं है। तो इनवर्स निकलने के लिए एक एक या अच्छा तक चाहिए, अतः एफ इनवर्स विद्यमान नहीं होगा। यह अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट देखें, फलन ए से बी परिभाषित है और ए और बी दोनों ही आर है और फंक्शन दिया है एक्स क्यूब। तो यदि हम बात करें, पहले जांच करनी पड़ेगी इसकी, एकैकी की जांच करें तो एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, अर्थात एक्स वन क्यूब इक्वल टू एक्स टू का क्यूब, एक्स वन क्यूब माइनस एक्स टू का क्यूब इक्वल टू जीरो। इसके गुणनखंड किए तो एक्स वन माइनस एक्स टू और दूसरे इसमें आ गए एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स वन एक्स टू प्लस एक्स टू स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ये आपको काल्पनिक वैल्यू देगा, इसलिए एक्स वन माइनस एक्स टू इक्वल टू जीरो, अर्थात एक्स वन बराबर एक्स टू। तो ये कैसा हो गया, एक एक ही हो गया। अब जरा देखें, ये एकैकी हो गया। एकैकी के बाद अब हमें ये देखना है कि आच्छादक है या अंतरछेदी है। इसका सहप्रांत सहप्रांत R है और परिसर भी R है। जब x की उच्चतम घात विषम हो तो परिसर R होता है, क्योंकि सहप्रांत इक्वल टू परिसर। अच्छा, पहले तो एक एक ही पता चल गया, फिर अच्छा तक एक एक अच्छा तक दोनों हो गया। एक एक ही अच्छा तक है, अतः एफ इनवर्स विद्यमान होगा। एफ इनवर्स विद्यमान होगा और कितना होगा ये तो पूछा नहीं है। हाँ पूछा है, यहां से निकाले हैं। तो क्या करते हैं, पहले स्टेप में एफ एक्स की जगह हम वाई रखते हैं और इसी को हल करके एक्स के निकाल लेते हैं। दूसरा काम, वाई इक्वल टू एक्स क्यूब है, इससे एक्स आ गया y की पावर 1/3। थर्ड में हमने बताया x की जगह रख दें f इनवर्स y इक्वल टू y की पावर 1/3 और f इनवर्स x आ जाएगा x की पावर 1/3। चूंकि फंक्शन r टू r डिफाइन है
एफ इनवर्स भी आर टू आर ही डिफाइन होगा, ये उल्टे होते हैं तो उल्टे होने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा है, इसलिए याद रहेगा। इस तरीके से सेकंड एक्सरसाइज पसंद है तो शेयर करें, लाइक करें। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट चैप्टर की 1.2 एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। और ये बताएं कैसे हैं आप लोग, सब ठीक है, पढ़ाई अच्छे से चल रही है? ठीक है, देखिए जरा क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फोर को देखें, क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है यदि ए जो है वो दिया है 1, 2, 3, 4 ए की वैल्यू है और बी की वैल्यू है 3, 5, 7, 9 ये, और एफ जो है वो ए से भी परिभाषित है और जी बी से सी परिभाषित है और एफ एक्स आपको दिया है 2x+1 और जी एक्स दिया है x2-2 ये दिया है। तो देखिए इसमें क्या निकालना है, गॉफ इनवर्स निकालना है। गॉफ इनवर्स से एक्स तो साइलेंट रहता है, ये हमें पता करना है। तो किसी का भी इनवर्स तो तब निकालेंगे, पहले गॉफ निकालना पड़ेगा। तो क्या किया हमने, हल गॉफ एक्स, तो गॉफ एक्स क्या हुआ, जी ऑफ एफ एक्स। तो जी एफ एक्स की वैल्यू क्या है 2x+1 और जी एक्स ये क्या जाएगा 2x+1 का होल स्क्वायर माइनस 2, तो कितना आ गया ये 4x² + 1 + 4x - 2 यानी 4x² + 4x - 1 ये गॉफ एक्स आया, ठीक है। लेकिन यदि हम इसे मैपिंग से देख रहे हैं तो ज्यादा बेटर है। ये मान लिया x है, इसका हमने f लिया, f कहां से कहां पर परिभाषित है, a से b, तो ये मान लिया a है, ये है b, तो ये क्या होगा एफ एक्स होगा ये। अब ए में क्या क्या वेव दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4 ठीक है, बी में दिए हैं 3, 5, 7, 9। अब फलन के हिसाब से देखें तो इसमें एक्स की जगह यदि 1 रखोगे तो 3 आएगा, 2 रखोगे तो 5 आएगा, 3 रखोगे तो 7 आएगा और 4 रखोगे तो 9 आएगा, ये एफ है। अब बी से सी, ये सी है और ये बी से सी क्या है जी है, तो जब एफ एक्स का जी लेंगे तो ये हो जाएगा जी ऑफ एफ एक्स। तो अब देखें जरा ये 3 है, अब जी में रखो, जी में रखें तो क्या आएगा 3 रखेंगे तो 9 - 7 आ गए, 5 रखो तो 25 - 2 23 आ गया, 7 रखें तो 49 - 2 47 आया और 9 रखें तो 79 है। तो ये आपका
गॉफ एक्स वाला, तो गॉफ एक्स में डायरेक्ट यहां से यहां देखते हैं आप, तो गॉफ एक्स को क्या लिखेंगे हम, कर्ली ब्रैकेट में बंद 1 7 2 23 3 47 और 4 सॉरी 4 79। तो गॉफ है और हमें चाहिए गॉफ इनवर्स। हमने बताया था कि कोई फंक्शन यदि ए से बी डिफाइन है तो इसका इनवर्स बी से ए डिफाइन होगा। इट मीन्स क्या हो जाएगा, ये 7 1 23 2 47 3 और 79 4। ये भी पता होना चाहिए कि गॉफ इनवर्स, इनवर्स का जो नियम होता है उसमें ये बाद वाले पे पहले जाता है, एफ इनवर्स फिर ओ जी इनवर्स। गॉफ का करें, फोक का करेंगे तो क्या आएगा, जी इनवर्स ओ एफ इनवर्स, ये आ गया आपका। तो ये दोनों सेम होते हैं, यही बात पूछ रहा है, दोनों बातें पूछ रहा है, मतलब ये दोनों सेम होते हैं।